पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान शिव जी पार्थी जी से कहते हैं, आप प्रसंगवश शालग्राम शिला के पूजा के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा। चार भुजाधारी भगवान विष्णु के दाहिने एवं उधर भुजा के क्रम से अस्त्र विशेष ग्रहण करने पर केशव आदि नाम होते हैं, अर्थात दाहिनी ओर का ऊपर का हाथ, दाहिनी ओर का नीचे का हाथ, बाईं ओर का ऊपर का हाथ और बाईं ओर का नीचे का हाथ। इस क्रम से चारों हाथों में शंख चक्र आदि आयुधों को क्रम या व्यतिक्रम पूर्वक धारण करने पर भगवान जी की भिन्न भिन्न संज्ञाएं होती हैं। उन्हीं संज्ञाओं का निर्देश करते हुए यहां भगवान जी का पूजन बतलाया गया है। उपयुक्त क्रम से चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले विष्णु का नाम केशव है। पद्म गदा चक्र और शंख क्रम से धारण करने वाले उन्हें नारायण कहते हैं। चक्र शंख पद्म गदा ग्रहण करने से वे माधव कहलाते हैं। गदा पद्म शंख और चक्र इस क्रम से आयुध धारण करने वाले भगवान जी का नाम गोविंद है। पद्म शंख चक्र और गदाधारी विष्णु भगवान को प्रणाम है। शंख पद्म गदा और चक्र धारण करने वाले मधुसूदन विग्रह को नमस्कार है। गदा चक्र शंख और पद्म से युक्त त्रिविक्रम को तथा चक्र गदा पद्म और शंखधारी वामन मूर्ति को प्रणाम है। चक्र पद्म शंख और गदा धारण करने वाले श्रीधर को नमस्कार है। चक्र गदा शंख तथा पद्मधारी ऋषिकेश आपको प्रणाम है। पद्म शंख गदा और चक्र ग्रहण करने वाले पद्म नाभ विग्रह को नमस्कार है। शंख गदा चक्र और पद्मधारी दामोदर आपको मेरा प्रणाम है। शंख कमल चक्र और गदा धारण करने वाले संकर्षण को नमस्कार है। चक्र शंख गदा और पद्म से युक्त भगवान वासुदेव आपको प्रणाम है। शंख चक्र गदा और कमल आदि के द्वारा प्रद्युम्न मूर्ति धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। गदा शंख कमल तथा चक्रधारी अनिरुद्ध को प्रणाम है। पद्म शंख गदा और चक्र से चिन्हित पुरुषोत्तम रूप को नमस्कार है। गदा शंख चक्र और पद्म ग्रहण करने वाले अधोक्षज को प्रणाम है। पद्म गदा शंख और चक्र धारण करने वाले नरसिंह भगवान को नमस्कार है। पद्म चक्र शंख और गदा लेने वाले अच्युत रूप को प्रणाम है। गदा पद्म चक्र और शंख धारी श्री कृष्ण विग्रह को नमस्कार है। जिस शालग्राम शिला में द्वार स्थान पर परस्पर सटे हुए दो चक्र हों, जो शुक्लवर्ण की रेखा से अंकित और शोभा संपन्न दिखाई देती हो, उसे भगवान श्री गदाधर का स्वरूप समझना चाहिए। संकर्षण मूर्ति में दो सटे हुए चक्र होते हैं, लाल रेखा होती है और उसका पूर्व भाग कुछ मोटा होता है। प्रद्युम्न के स्वरूप में कुछ कुछ पीलापन होता है और उसमें चक्र का चिन्ह सूक्ष्म रहता है। अनिरुद्ध की मूर्ति गोल होती है और उसके भीतरी भाग में गहरा एवं चौड़ा छेद होता है। इसके सिवा वह द्वार भाग में नीलवर्ण और तीन रेखाओं से युक्त भी होती है। भगवान नारायण श्याम वर्ण के होते हैं, उनके मध्य भाग में गदा के आकार की रेखा होती है और उनका नाभिकमल बहुत ऊंचा होता है। भगवान नरसिंह की मूर्ति में चक्र का स्थूल छिन्न रहता है, उसका वर्ण कपिल होता है तथा वे तीन या पांच बिंदुओं से युक्त होते हैं। ब्रह्मचारी के लिए उन्हीं का पूजन विहित है, वे भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जिस शालग्राम शिला में दो चक्र के चिन्ह विषम भाव से स्थित हों, तीन लिंग हों तथा तीन रेखाएं दिखाई देती हों, वह वरा भगवान जी का स्वरूप है। उसका वर्ण नील तथा आकार स्थूल होता है।
भगवान वरा भी सबकी रक्षा करने वाले हैं। कच्छप की मूर्ति श्याम वर्ण की होती, उसका आकार पानी की भंवर के समान गोल होता है, उसमें यत्र तत्र बिंदुओं के चिन्ह दिखाई देते हैं तथा उसका पृष्ठ भाग श्वेत रंग का होता है। श्रीधर की मूर्ति में 5 रेखाएं होती हैं। वनमाली के स्वरूप में गदा का चिन्ह होता है। गोल आकृति मध्य भाग में चक्र का चिन्ह तथा नीलवर्ण, ये वामन मूर्ति की पहचान है, जिसमें नाना प्रकार की अनेकों मूर्तियां तथा सर्प शरीर के चिन्ह होते हैं। वे भगवान अनंत की प्रतिमा हैं। दामोदर की मूर्ति स्थूलकाय एवं नीलवर्ण की होती है। उसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह होता है। भगवान दामोदर नील चिन्ह से युक्त होकर संकर्षण के द्वारा जगत की रक्षा करते हैं, जिसका वर्ण लाल है तथा जो लंबी लंबी रेखा, छिद्र, एक चक्र और कमल आदि से युक्त एवं स्थूल हैं, उस शालग्राम को ब्रह्मा की मूर्ति समझनी चाहिए, जिसमें बृहदर छिद्र स्थूल चक्र का चिन्ह और कृष्ण वर्ण हो। वह श्री कृष्ण का स्वरूप है। वह बिंदु युक्त और बिंदु शून्य होते दोनों ही प्रकार का देखा जाता है। हयग्रीव मूर्ति अंकुश के समान आकार वाली और 5 रेखाओं से युक्त होती है। भगवान वैकुंठ कोस्तो मणि धारण किए रहते हैं। उनकी मूर्ति बड़ी निर्मल दिखाई देती है। वह एक चक्र से चिन्हित और श्याम वर्ण की होती। मत्स्य भगवान जी की मूर्ति बृहत कमल के आकार की होती है। उसका रंग श्वेत होता है तथा उसमें हार की रेखा दिखाई जाती है। जिस शालग्राम का वर्ण श्याम हो, जिसके दक्षिण भाग में एक रेखा दिखाई देती हो तथा जो 3 चक्रों के चिन्ह से युक्त हो, वह भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है। वे भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं। द्वारकापुरी में स्थित शालग्राम स्वरूप भगवान गदाधर को नमस्कार है। उनका दर्शन बड़ा ही उत्तम है। वे भगवान गदाधर एक चक्र से चिन्हित देखे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण 2 चक्रों से, त्रिविक्रम 3 से, चतुर्व्यूह 4 से, वासुदेव 5 से, प्रद्युम्न 6 से, संकर्षण 7 से, पुरुषोत्तम 8 से, नवव्यूह 9 से, दस अवतार 10 से, अनिरुद्ध 11 से और द्वादशात्मा 12 चक्रों से युक्त होकर जगत की रक्षा करते हैं। इससे अधिक चक्र चिन्ह धारण करने वाले भगवान जी का नाम अनंत है। दंड, कमंडल और अक्षमाला धारण करने वाले चतुर्भुज ब्रह्मा तथा 5 मुख और 10 भुजाओं से शोभित वृष ध्वज महादेव जी अपने आयुधों सहित शालग्राम शिला में स्थित रहते हैं। गौरी, चंडी, सरस्वती और महालक्ष्मी आदि माताएं, हाथ में कमल धारण करने वाले सूर्य देव, हाथी के समान कंधे वाले गजानन गणेश, 6 मुखों वाले स्वामी कार्तिकेय तथा और भी बहुत से देवगण शालग्राम प्रतिमा में मौजूद रहते हैं। अतः मंदिर में शालग्राम शिला की स्थापना अथवा पूजा करने पर ये उपयुक्त देवता भी स्थापित और पूजित होते हैं। जो पुरुष ऐसा करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। गंडकी अर्थात नारायणी नदी के एक प्रदेश में शालग्राम स्थल नामक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां से निकलने वाले पत्थर को शालग्राम कहते हैं। शालग्राम शिला के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। फिर यदि उसका पूजन किया जाए, तब तो उसके फल के विषय में कहना ही क्या है। मैं भगवान जी के समीप पहुंचाने वाला है। बहुत जन्मों के पुण्य से यदि कभी कोश पद के चिन्ह से युक्त श्री कृष्ण शिला प्राप्त हो जाए, तो उसके पूजन से मनुष्य के पुनर्जन्म की समाप्ति हो जाती है। पहले शालग्राम शिला की परीक्षा करनी चाहिए। यदि वह काली और चिकनी हो तो उत्तम है। यदि उसकी कालिमा कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणी की मानी जाती है।
और यदि उसमें दूसरे किसी रंग का सम्मिश्रण हो तो वह मिश्रित फल प्रदान करने वाली होती है। जैसे सदा काठ के भीतर छिपी हुई आग मंथन करने से प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त होने पर भी शालग्राम शिला में विशेष रूप में अभिव्यक्त होते हैं। जो प्रतिदिन द्वारका की शिला गोमती चक्र से युक्त 12 शालग्राम मूर्तियों का पूजन करता है वे वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य शालग्राम शिला के भीतर गुफा का दर्शन करता है उसके पितर तृप्त होकर कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जहां द्वारकापुरी की शिला अर्थात गोमती चक्र रहता है वे स्थान वैकुंठ लोक माना जाता है। वहां मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य विष्णु धाम में जाता है। जो शालग्राम शिला की कीमत लगाता है, जो बेचता है, जो विक्रय का अनुमोदन करता है तथा जो उसकी परीक्षा करके मूल्य का समर्थन करता है वे सब नरक में पड़ते हैं। इसलिए देवी शालग्राम शिला और गोमती चक्र की खरीद बिक्री छोड़ देनी चाहिए। शालग्राम स्थल से प्रकट हुए भगवान शालग्राम और द्वारका से प्रकट हुए गोमती चक्र, इन दोनों देवताओं का जहां समागम होता है वहां मोक्ष मिलने से तनिक भी संदेह नहीं है। द्वारका से प्रकट हुए गोमती चक्र से युक्त अनेक चक्रों से चिन्हित तथा चक्रासन शिला के समान आकार वाले भगवान शालग्राम साक्षात चित स्वरूप निरंजन परमात्मा ही हैं। ओंकार रूप तथा नित्य अनंत स्वरूप शालग्राम को नमस्कार है। महाभाग शालग्राम, मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं। प्रभु मैं ऋण से ग्रस्त हूं, मुझ भक्त पर अनुग्रह कीजिए।